सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे AKTU के एक नए अपडेट्स के बारे में जो कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को जानना ये जरूरी है। तो यहाँ पे इसका विषय देख सकते हैं, सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं की ऑनलाइन कराई जाने वाली परीक्षा में छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्त, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप न कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिससे समस्त छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है ना दोस्त, उसको कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। तो इस रजिस्ट्रेशन के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों को ERP पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि दिनांक 9 जुलाई 2021 से 12 जुलाई 2021 तक छात्र ERP लॉगिन खोलकर यह चेक या सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक छात्र छात्रा का ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही सही पंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। यानी कि जो आपका ERP पे जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID है वो आपको सही है या नहीं, ये आपको चेक करना है, सुनिश्चित करना है। यदि छात्र की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत है तो उसे वह उक्त अवधि तक ERP पोर्टल पर ही अपडेट कर सकता है। यदि आपका दोस्त मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत है तो आपको वहाँ पे सही करना है, और सही किस तरीके से करना है इसको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। और अगर आपका सही है तो आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले URL, यूजर आईडी एंड पासवर्ड छात्र के ERP लॉगिन पर दिनांक 12/7/2021 से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है दोस्त, उसको 12 जुलाई से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका लिंक वगैरह, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह। और ये जो यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह है ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा, ईमेल आईडी के थ्रू ही आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। तो कैसे आपको अपडेट करना है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे यहाँ पे टाइप करना है AKTU ERP, ठीक है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे AKTU ERP टाइप करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे AKTU लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे ERP खुल जाएगा, ERP लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जा करके इस साइट को डेस्कटॉप साइट कर लेना है, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो। लैपटॉप में खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी यानी कि आपका रोल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं AKTU ERP पे, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो इस तरीके कुछ आपको पेज खुल करके आएगा, इसको आपको कैंसिल करना है। और यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे दोस्त, तो यहाँ पे लिखा है माई प्रोफाइल, ठीक है। तो इस माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे सारा डेटा आपका दिखा रहा होगा कि नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। नीचे हम जाएंगे तो नीचे जब जाएंगे तो माई इन्फॉर्मेशन इसमें देखना है। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल दिया हुआ है, बेसिक डिटेल अपना चेक कर लेना है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप और यहाँ पे नेम लिखना है अपना हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी में अपना नाम टाइप कर लेना है। और यहाँ पे बेसिक डिटेल में ये एक्चुअल में चेंज नहीं होगा, जिन बच्चों का चेंज हो चुका है और जिनका नहीं है तो यहाँ पे आप नाम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक डिटेल में। और यहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस में आपका एड्रेस दिया होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जो कि आप भरे होंगे पहले, अगर नहीं भरे हैं तो इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद से आपको यहाँ पे सेव बटन पे सेव कर लेना है सबको, बेसिक डिटेल को भी आपको यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ पे थर्ड है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख रहा होगा। अगर ये आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत है, यानी कि ये बंद हो चुका है और आप नया भरना चाहते हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप नया नहीं भरना चाहते हैं, जो है वही है, सही है आपका, तो भी आपको इसको वेरीफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, इफ़ योर एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट देन ऑल्सो वेरीफाई इट। यदि आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है तो भी आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करना होगा ये हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो आपको यहाँ पे डाल देना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस पर, तो आपको नीचे इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा जहाँ पे OTP मोबाइल नंबर और यहाँ पे OTP ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी का OTP डालना है और यहाँ पे मोबाइल का OTP डालना है। तो अभी OTP का वेट करते हैं और जैसे आता है तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा।
ओटीपी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है AKTU के सर्वर में, तो ओटीपी अभी भेजा नहीं जा रहा है। जैसे ही ओटीपी भेजना शुरू हो जाएगा दोस्त, तो आपको यहाँ पे आपको ओटीपी डाल करके और इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी जो है कि वेरीफाई कर लिया गया है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको करना है दोस्त, ठीक है। तो आपको अगर किसी तरीके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के भी कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तब तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।